हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बेसन की बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग हटके सब्जी। जब भी आपका सब्जी खाने का मन ना हो तो फटाफट से इस सब्जी को आप बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो पहले तो हम पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा छिटकाएँगे और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, दो बड़े प्याज काट के डाल देंगे, दो बड़े टमाटर लाल काट के डाल देंगे और दो से तीन सूखी लाल मिर्च डाल के अच्छे से भून लेंगे। बढ़िया से हम सब चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम एक बाउल ले लेते हैं, उस दो कटोरी बेसन लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच हम उसमें ऑयल डाल देंगे। जरा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे जो मीठा सोडा होता है, इससे फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे, कड़े बिल्कुल नहीं बनेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार कर लेंगे इसका। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से फिर गूंथ लेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लेंगे। आप गोल साइज़ में या लंबे साइज़ में, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये जैसा भी बनाएंगे एकदम सॉफ्ट बनने वाला, कड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा। इस तरीके से सारे पेड़े बना लेंगे और जो हमारा बेसन था बाउल में उसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, उसमें हम पानी डाल के रख देंगे। इसे ही हम सब्जी में डालेंगे रसे के रूप में। तो इसमें पानी डाल के अच्छे से चला के साइड में रख देंगे। ये फूल जाएगा बेसन जितना है और पानी बेसन का तैयार हो जाएगा। जो पेड़ा हमने तैयार किया है इसमें कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने एक फोक ले लिया है, कांटे वाला चम्मच, उससे मैं इस तरह से दबा दबा के डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। और फिर इसके बाद अब हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। इसको हम मिक्सी में डाल के फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर दोबारा सा ऑयल डालेंगे, एक तेज़पत्ता तड़काएँगे। फिर वो मसाला हम इसमें डाल के थोड़ा सा पानी के साथ अच्छे से भूनेंगे मसाले को। 10 मिनट तक के लिए भूनेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है 10 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से भून गया है, देख सकते हैं तेल ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें जो है, जो हमने पानी भिगो के रखा था बेसन का, उसको डाल देंगे। उसके अलावा भी अगर आपको और पानी ज़रूरत हो तो उसको डाल सकते हैं। फिर हम एक छेद की थाली में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके रख देंगे और उस पर सारे पेड़े बेसन के रख देंगे। नीचे हमारा सब्जी भी तैयार होता रहेगा, हमारा ग्रेवी भी बॉयल होगा और तैयार होगा और उसी में हमारा ये बेसन का पेड़े भी अच्छे से फूल जाएंगे, पक जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, इसको निकाल के हम सब्जी में डाल देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। बेसन की सब्जी बनके तैयार है दोस्तों, इसे ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही जल्दी और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होता है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करिएगा। मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।